जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत दुख के साथ एक खबर आपके बीच में भेज रहा हूँ। हमारे गांव के बगल में ग्राम सभा औराटार है और औराटार में कल दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना घट गई और एक नौजवान साथी थे, लगभग उम्र उनकी 30 साल बताई जा रही है, औराटार के निवासी थे और लाइट की चपेट में आने से उनका कहीं ना कहीं मौत हो गया और तमाम घर परिवार के लोग इधर देख सकते हैं, बहुत लोग परेशान हैं उनके इस, चूँकि एक नौजवान साथी की जब कोई भी देहांत होता है तो कहीं ना कहीं बहुत क्षण जो बहुत दुखदायी होता है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। तो बताइए भैया, बताइए इनका क्या नाम था? सर्वेश पटेल। पिताजी का क्या नाम था? भूपत पटेल। और मतलब कैसे घटना घटा? और मतलब इस तरह से लाइट द्वारा, तो मतलब डायरेक्ट लाइट की चपेट में आ गए कि कोई काम कर रहे थे? टीना का ट्रेन कटरेन उतारा जा रहा था और कटरेन कटरेन मतलब ट्रेन लेके जात रहा है थोड़े के वापसी भाई एक लग गई वो एक नाते। तो सीमेंट वाला कटरेन था? नहीं, टीना टीना वाला, उसमें करंट आता है। तो दोस्तों, जब कटरेन उतारा जा रहा था तो कटरेन जाकर जो पोल था उसमें तार था, उसमें मतलब करंट की चपेट में आ गए। छत छत के ऊपर जैसे लटकल है तार, वही में जाकर उसी में सट गया और कहीं कहीं करंट लगने से इनकी मौत हो गई। तो चाचा जी, ये बताइए इनके परिवार में कितने लोग थे? दो भाई हैं, एक बहन है, जो मरल लड़का बाप बाप है। और तो शादी ब्याह इनका हो गया था? हाँ। बच्चे कितने थे? दो बच्चे हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया था अभी तक? कोई अधिकारी कर्मचारी अभी नहीं आया मतलब कोई इनके? तो साथियों, कहीं ना कहीं परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और परिवार का कहीं ना कहीं जो बड़े लड़के थे, यही बड़े लड़के थे और कमाने वाले यही थे शायद, मतलब देखा जाए तो। और इनके भी दो बच्चे हैं, पत्नी है, और इस तरह से अनहोनी घट जाती है तो कहीं ना कहीं देखिए इधर गांव के तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जब समाज में घटती हैं तो बहुत दुखदायी होता है और बिजली की चपेट में आने से कहीं ना कहीं इनका देहांत हो गया। गिर गया, गिर के मतलब गिर गए, चोट गए, सिर पर चोट लग गया, सर पर चोट, और तत्काल दवा भी नहीं मतलब दवा ले गए लेकिन रास्ते में ही कहीं ना कहीं इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, सिर पर चोट लगा था, कहीं कहीं देखा जाए तो दिमाग पर जब चोट लगता है तो आदमी का कहीं कहीं देहांत हो जाता है। तो आप सभी से भी यही आग्रह है कि आप लोग जहां भी रह रहे हैं तो अगर कहीं पर भी लाइट है, कहीं तार है, तो उससे सावधानी बढ़ती है क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है और बरसात के मौसम में अक्सर घटनाएँ घटती हैं कि लाइट की चपेट में लोग अक्सर आते रहते हैं कि चूँकि नमी रहता है हर जगह और करेंट बहुत तेज़ी से शरीर पर वार करता है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएँ घटती हैं। तो औराटार ग्राम सभा में है अभी हम, और क्या नाम था उनका पूरा? सर्वेश पटेल। पिताजी का नाम? भूपत पटेल। तो दोस्तों, यही है हाल, मतलब देखो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, गांव के तमाम लोग अभी इकट्ठा हो गए हैं। तो हमने सोचा कि आप लोग के बीच में जानकारी भेजा जाए। ग्राम सभा औराटार निचरौल महाराजगंज के रहने वाले थे और बहुत बड़ी घटना घट गई है और कहीं कहीं दुख भरी घटना है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं।